लोकेश जी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज देखिए, अच्छा बड़ा एक्शन आया है इधर कुछ समय में। और जो पूरा डिटेल सवाल है रोहित जी का, वो ये है कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज मूविंग अबाउट 200 EMA इन डेली चार्ट्स आफ्टर करेक्ट, लॉन्ग टाइम, रेजिस्टेड 200 EMA फॉर 6-7 टाइम्स एंड नाउ फाइनली अबव इट, तो वो रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ दिख रहा है। क्या यहाँ पे 3 से 6 महीने के लिए खरीदारी करी जा सकती है? सब कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, स्टॉप पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो ठीक है। अनिल अग्रवाल सर का ये कंपनी है, इसका जो स्टॉप लॉस बनता है 170 के करीब का बैठ रहा है। 170 के स्टॉप लॉस के साथ जरूर बने रहिए। जो अभी 5G टेक्नोलॉजी से ग्रो हो रहा है इंडिया में, उनमें एक बड़ा बेनिफिशियरी स्टेलाइट टेक्नोलॉजी भी है, और ग्रुप बहुत अच्छा है, वेदांता ग्रुप का कंपनी है, तो मेरे हिसाब से ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वेल डिस्ट्रॉय भी बहुत किया है सर, बहुत ऊपर नीचे होता है सर, 60 रुपये और 500 रुपये बहुत बार ऊपर नीचे हुआ है स्टॉक में, 400 350 400 रुपये, तो थोड़ा सा रिस्की बेट होता है स्टॉक पे। बट मेरे हिसाब से बने रहो, अच्छा मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है अभी, तो 170 का स्टॉप लॉस रखकर के आप रखोगे तो आपको बनेगा पैसा। अब देखो सर कहाँ 400 रुपये का आया था, कहाँ 60 रुपये आया था, फिर 300 गया था, तो फिर 120 आ गया था, तो ये ऊपर नीचे बहुत करता है स्टॉक। अभी नीचे के लेवल पे है तो अच्छा है, आप ले सकते हो, बट 170 के स्टॉप को जरूर लगाए। जी, तो ये भी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, और उस पर किस तरीके के काम करना और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं वो भी जरूर ध्यान रखिएगा।